Zombie Apocalypse. आओ नाम सिकंदर की है, पुछता चेक कर ले। उड़ना बहुता फरता सीते लारांगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है सैयद सादी और आप देख रहे हैं सैयद सादी YouTube चैनल। तो गाइस, जैसे अभी आपने ये ट्रेंडिंग सॉन्ग देखा है, तो गाइस सेम इस तरह का आज हम स्टेटस क्रिएट करने वाले हैं। जिस तरह हमने जो है कलरफुल इफेक्ट हमने जो ऐड किए हैं, तो ये लिरिक्स वगैरह जो हमने ऐड किए हैं, तो सेम इस तरह का आज स्टेटस जो है आपको बनाना सिखाऊंगा। तो गाइस, जिस एप्लीकेशन में हम ये स्टेटस क्रिएट करने वाले हैं वो है काइनमास्टर। तो गाइस, अगर आपके पास काइनमास्टर नहीं है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो फिर आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। तो गाइस, उसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके 9:16 को चूज़ कर लेंगे। तो गाइस, उसके बाद ये आपको मीडिया वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर हमें क्लिक करके यहाँ से आपको अपने कोई भी जो है आप इमेज ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक इमेज ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, मैं ये वाली इमेज यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो क्रॉपिंग पर क्लिक करके इसको मैं यहाँ से इक्वल कर लूँगा और इसको मैं अपने स्टेटस की टाइमलाइन तक बढ़ा लूँगा। तो गाइस, उसके बाद दोबारा इमेज पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से विग्नेट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देंगे। उसके बाद लेयर पर क्लिक करके सीधा मीडिया पर जाएंगे। तो मेरे पास एक बॉर्डर है, तो मैं यहाँ पे वो बॉर्डर ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, बॉर्डर को हम सीधा फुल स्क्रीन कर दूँगा। तो गाइस, जो मटेरियल मैं यूज़ करूँगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आपने इसको एक बार डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस, उसके बाद जो है हमारा बॉर्डर लग चुका है। तो गाइस, उसके बाद दोबारा पीछे आना है, तो लेयर पे क्लिक करके आपको मीडिया पे क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं अभी जो है PNG को ऐड कर लेता हूँ, जो कि पोट्री टाइप की जो हमारी थी। तो उसके बाद मैं यहाँ से इसको सही तरह ऐड कर लूँगा। तो इसको मैं कुछ यहाँ पे रखने वाला हूँ। उसके बाद मैं इसका साइज़ भी कुछ यहाँ से बड़ा कर दूँगा। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद सीधा ब्लेंडिंग पर क्लिक करके इसको यहाँ से स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे। इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ। तो गाइस, उसके बाद हमें इसकी भी टाइमलाइन को सारा बढ़ा लेना है आगे तक। उसके बाद लेयर पर क्लिक करके गाइस मीडिया पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से जो है मैं अभी वो लिरिक्स वाली वीडियो ले लेता हूँ। तो गाइस, ये लिरिक्स वाली वीडियो मैंने ले लिया। इसका जो नीचे लोगो है इसको हम जो है क्रॉप कर देंगे, और ये जो हमारी वीडियो है इसको मैं कुछ इतना बड़ा करके यहाँ पे ले आऊँगा। उसके बाद सीधा ब्लेंडर पर क्लिक करके इसको यहाँ से स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे। तो गाइस, उसके बाद जो है दोबारा थोड़ा सा आगे आएंगे, ये हमारा कोई इतना स्टेटस आ रहा है, तो मैं इसको आगे ले आऊँगा थोड़ा सा। तो गाइस, उसके बाद जो है मैं इसको भी यहाँ से आगे ले आऊँगा, इसकी टाइमलाइन को बढ़ा दूँगा। तो गाइस, उसके बाद क्या करना है, आपको सेटिंग वाला ऑप्शन नज़र आया, इस पर आपको क्लिक करके वीडियो पे क्लिक करना है और फेड इन फेड आउट को आपने इनेबल कर लेना है। उसके बाद आपने इसके टाइम को तकरीबन 50 सेकेंड पर ले आना है दोनों को, ताकि उसके बाद हमारा ये कुछ इस तरीके की लुक देगा। तो गाइस, इस तरह की फिर एंड से भी ये कुछ इस तरीके की लुक देगा। तो गाइस, उसके बाद लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है। तो यहाँ से मेरे पास एक और PNG है, तो उसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो उसके बाद मैं इसको यहाँ से फुल स्क्रीन पर क्लिक करूँगा और इसको यहाँ से सेंड टू बैक पर क्लिक कर दूँगा। तो गाइस, उसके बाद इसकी टाइमलाइन को मैं बढ़ा दूँगा अपने स्टेटस के हिसाब तक। तो गाइस, उसके बाद जो लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे कलरफुल इफेक्ट है, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो मैं यहाँ से भी वो ऐड कर लेता हूँ। तो उसके सबसे पहले इसका हम जो है यहाँ से ऑडियो इसका जो उसको हम ऑफ करेंगे, और उसके बाद सीधा बैक पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। और उसके बाद सीधा ब्रांडिंग पर क्लिक करके उसको यहाँ से स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे। तभी आप देख सकते हैं हमारा स्टेटस।
और अपने लिरिक्स को हम प्रिंग टू फ्रंट पे ले आएंगे। साथ में जो हमारी टेम्पलेट है उसको भी हम कुछ इतना आगे ले आएंगे प्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक करके। तो कहते हैं स्टेटस को कुछ हमारे देखने को मिल रहा है। कुछ इस तरीके का हमारा स्टेटस जो है देखने को मिल रहा है। तो क्या इसके बाद जो ये हमारा यहाँ से स्टेटस ये जो हमारे कलरफुल इफेक्ट है यहाँ ख़त्म हो रहा है, इसको हम डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद गाइस इसको हम थोड़ा सा यहाँ से इस पर टैप कर ही रखेंगे और इसको हम यहाँ कोने में आखिर में ले आएंगे। तो उसके बाद जो है हम बाकी इसके जो अगला पार्ट है उसको हम कट कर देंगे और इस तरीके से हमारी फुल वीडियो पर आ जाएगा। तो गाइस उसके बाद मैं अभी थोड़े से लिरिक्स नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पर गाइस मैं अपने लिरिक्स रख लेता हूँ और इस टाइमलाइन को मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे ले आता हूँ। तो गाइस उसके बाद लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करेंगे। तो गाइस अगर आप चाहें तो अपना जो है लोगो वगैरह भी लगा सकते हैं, वरना तो इस तरीके से ही ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना लोगो लगा लेता हूँ। तो इसको मैं कुछ इतना छोटा करूँगा, इसको मैं यहाँ ऊपर लगा लूँगा। तो ये इसको मैं यहाँ ऊपर लपी लगा लेता हूँ। तो गाइस अभी जो है इसकी भी मैं टाइमलाइन को फुल बढ़ा दूंगा। तो गाइस अभी जो है हमारा बिल्कुल स्टेटस बन के आ चुका है। तो सीधा हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो उम्मीद है गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।